कार्यभार संभालने के बाद, फिर आने के बाद जो पढ़ा जाता है, जो हर स्पीच में लिखा जाता है या बोला जाता है कि भारत नेपाल के जो संबंध हैं वे इतने प्रगाढ़ हैं और इतने गहरे हैं, उसकी झलक हमारे धार्मिक संस्कारों में या हमारे सांस्कृतिक कार्यकलापों में या लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें दिखती है। पर उसकी जो सही झलक, जो उसका सही उदाहरण दिखता है, वो आज जनकपुर में आके मुझे दिखाई देता है और मध्य प्रदेश में खासतौर पर, कि किस तरह से भारत और नेपाल के लोग सदियों से जुड़े हुए हैं। मेरे आने से पूर्व करीब दो दिन पहले जनकपुर से होते हुए दो काली गंडकी से निकाली हुई शिलाएं गई हैं अयोध्या। अब अयोध्या में भी उनका भव्य स्वागत हो रहा है। जहाँ जहाँ से वो गई नेपाल में, जहाँ काली गंडकी से निकाली गई और जिस रास्ते से पोखरा होते हुए जनकपुर आई और जनकपुर से अयोध्या गई, तो ना सिर्फ नेपाल में पर कि जब भारत में पहुंची तो हर जगह उसका भव्य स्वागत हुआ। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं, ये दो देशों के रिश्ते तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा उससे महत्व की बात है कि दो लोगों के बीच के रिश्ते हैं जो आत्मनिर्भर हैं, और यही सबसे बड़ा एक पूर्वाधार है भारत नेपाल के संबंधों को आगे बढ़ाने की। तो हमारी तो और भारत सरकार की इच्छा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों की, प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारत के लोगों की इच्छा यही है कि नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आगे और बढ़े। नेपाल के साथ जो मित्रता का एक लगाव का एक रिश्ता है वह और प्रगाढ़ हो। कुछ लोगों ने कहा कि किस तरह से विकास की बात हो सके। विकास के लिए भी, मित्रता के साथ ही साथ विकास के लिए भी इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नेपाल का विकास होता है तो उसके लिए भारत को ही फायदा है, भारत का भी फायदा है, नेपाल का भी फायदा है। और इस कार्य में भारत और नेपाल, भारत की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि नेपाल की कोई भी ज़रूरत या कुछ भी किया जा सकता है नेपाल की प्रगति बढ़ाने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश जो कि भारत से एकदम सटा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी। भारत के लोग अपनी पूरा प्रयास करेंगे कि ये आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से हमारे जो प्रगति है, विकास है, विकास का कार्य आगे बढ़े। जनकपुर में आए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद आती है वह है धार्मिक पर्यटन का। जनकपुर अयोध्या का जो एक रिश्ता है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसी को एक आधार बनाकर किस तरह से आगे और धार्मिक पर्यटन दोनों देशों के बीच में किया जाए ताकि उसको एक और नई दिशा मिले। अब पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के देउबा जी जब भारत गए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर उन्होंने रेल लाइन का एक उद्घाटन किया था जो जयनगर से कुर्था तक आती है, पहली रेल लाइन ब्रॉडगेज की शुरू हुई है। हमारी कोशिश है अब उसको आगे और बढ़ाया जाए, कुर्था से उसको बीजलपुरा तक ले जाया जाए और आगे भी बर्दीबास तक जहाँ तक उसका प्लान है। तो ये रेल से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। इसी संदर्भ में एक और अब मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2018 में आए थे तो उन्होंने एक उद्घोषणा की थी कि भारतीय रुपये 100 करोड़ की लगानी से कोई एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जनकपुर में ताकि धार्मिक पर्यटन बढ़े और लोगों के बीच का रिश्ता बढ़े। आज करीब 5 साल होने को आ रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से एक प्रपोजल का, एक कि किस तरह से ये किया जा सके। तो क्योंकि अब हम जनकपुर में हैं और आप सब लोगों के साथ हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अपने जो भी निकाय हैं उनके थ्रू केंद्र सरकार के होते हुए हम एक प्रपोजल भेजें, क्योंकि उसे आगे बढ़ाने में हम भी इच्छुक हैं और आप लोग के यहाँ के जो वक्तव्य हैं उनके हिसाब से कल जिनसे मिला हूँ सबका ये एक ध्येय रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन से विकास भी होगा और पर्यटन में सबसे अच्छी बात यही है धार्मिक पर्यटन के लिए। तो मेरी आपसे निवेदन यही रहेगा कि जितनी जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमारे दोनों देशों के संबंध भी आगे बढ़ेंगे।
बाकी आर्थिक रूप से और क्या किया जा सकता है, आप अपने सुझाव हमें दें। भारत सरकार, जैसा मैंने कहा, चाहती है कि नेपाल के साथ रिश्ते और आगे बढ़े, प्रगाढ़ हो। नेपाल की प्रगति, भारत की प्रगति, दोनों देशों की प्रगति, दोनों देशों के लोगों के संबंध बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगी। तो जो भी आपके सुझाव हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के ही हों पर वह हैं तो नेपाल के, उसमें अगर हम कुछ भी मदद कर सकते हैं तो वह हम करेंगे। आज ही अब इस कार्यक्रम के बाद हम कुछ जिलों में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के सत्तरी और सिराह में। वहाँ ने हमारा दूतावास कई सालों से कई प्रोजेक्ट करते रहे हैं, स्कूल के या खाने पानी के, तो उसी कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन है। इनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे लोगों का फायदा हो, चाहे स्कूल करना हो, चाहे खाने पानी की व्यवस्था हो, या कोल्ड स्टोरेज जैसी बात हो, तो उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेपाल और भारत के संबंध जो हैं एक अनूठे संबंध हैं। विश्व में ऐसी कई मिसाल नहीं होगी जहाँ दोनों देशों के संबंध इस तरह के हैं कि एक खुला बॉर्डर है, लोगों के काफ़ी सालों से रिश्ते हैं, दशकों से रिश्ते हैं, लोगों में एक आत्मीयता है, एक मित्रता का भाव है जो कभी नहीं ख़त्म होगा। हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि नेपाल के लोगों के साथ, नेपाल की सरकार के साथ मिलकर इसको हम किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं, इसको किस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए और बेहतर बना सकते हैं, इसी कार्य में हम आगे अग्रसर होंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।